अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनका खुद पसंद होना बाकियों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। खुद से उन्हें इतनी इंसाइट या उनके बारे में अवेयरनेस हमारी मुआशरे में मतलब दी जाए कि वो खुद उसके लिए हेल्प की तरफ आए, क्योंकि इनकी रेशियो बहुत कम है। जो जुड़े होंगे वो इतना डिस्टर्ब होते हैं, वो थेरेपी के लिए आते हैं, आप सोचें, वो बीमारी की तरफ चले जाते हैं, वो इतने टॉक्सिक पैटर्न्स में चले जाते हैं कि जो उनके साथ है वो भी खत्म तो नहीं कर सकते। हाई पर्सनैलिटी को उनके ना शिद्दत में जा रही है, तो उसको मॉडरेशन में लें। तो ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, कितनी क्या इनकी और पावर को भी थोड़ा नेगेटिव वे में ही अगर वो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो ही वो ठीक मर्द है। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये दूसरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन लोगों को एहसास हमें कैसे दिलाना चाहिए कि इनका खुद पसंद होना बाकियों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। इसमें जितना आप उनको उस चीज़ को बताएंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए मसाले खड़ा करेंगे, ठीक है। इसमें ये रोल है कि वो खुद से उन्हें इतनी इंसाइट या उनके बारे में अवेयरनेस हमारी मुआशरे में मतलब दी जाए कि वो खुद उसके लिए हेल्प की तरफ आएँ, क्योंकि इनकी रेशियो बहुत कम है। वैसे इन लोगों को समझाना मुश्किल नहीं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनसे जो भी जुड़े होंगे वो इतना डिस्टर्ब होते हैं, वो थेरेपी के लिए आते हैं, आप सोचें, वो बीमारियों की तरफ चले जाते हैं, वो इतने टॉक्सिक पैटर्न्स में चले जाते हैं कि जो उनके साथ है वो भी, जैसे कहते हैं ना, खराब फल है, खराब फल के साथ अगर आप सही फल रख दे तो वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ही है कि आप भी अनहेल्दी होना शुरू हो जाते हैं साथ। अच्छा, वैसे मेरा तो ख्याल है कि ये नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप किसी खुद पसंद इंसान को, जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी एक आदत डालें कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे। मेरा ख्याल है बचपन में ही हम एक रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ का। हाँ, अगर आपको लग रहा है ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं बच्चे में है, तो उसके ऊपर उसको इनिशियल लेवल से ही पकड़ लें, ताकि वो बहुत बिगड़े, ख़त्म तो नहीं कर सकते। हर पर्सनैलिटी को उनके ना शिद्दत में जा रही है, तो उसको मॉडरेशन में लें, हम ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत सी एक बहुत एक्सट्रीम किस्म, आप उसको लीडरशिप में ले आएँ तो बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, ठीक है। इनको पावर दें, लेकिन उसको बैलेंस करके चलना सिखाएं। अच्छा, आप कह रही हैं कि इन लोगों की तादाद कम होती है यूजुअली, तो आउट ऑफ 10 अगर मैं बात करूं तो ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, कितनी क्या इनकी होगी? अच्छा, इनकी रेशियो ज्यादा ही है, मैंने तादाद कम नहीं कहा, लेकिन ये इलाज की तरफ बहुत कम आते हैं। अच्छा, इलाज की तरफ कम आते हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट नहीं हो पाते ना। और स्पेशली हमारे यहाँ पे तो मेल्स में बहुत टेंडेंसी है, औरतों में भी मौजूद है, लेकिन मेल तो हमारा कल्चरल है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो आदमी उस तरह से डोमिनेंट होने की कोशिश करता, तो हमारा कल्चर ही ज्यादा ऐसा है, बाहर भी मौजूद है, लेकिन इसमें कि ट्रीटमेंट की तरफ आना उसको, वही बात है कि वो उसको बहुत मुश्किल समझते हैं। मेल डोमिनेंस तो मुझे लगता है कि ये जो एशियन कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे मेल डोमिनेंस ज्यादा देखी जा सकती है। ऐसा ही है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे वही चीज चल रहा है कि मेल जो है उसको पावर शो करनी चाहिए, तो ही घर के एनवायरनमेंट ठीक रहेगी, और पावर को भी थोड़ा नेगेटिव वे में ही अगर वो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो ही वो ठीक मर्द है, ऐसे जुमले हैं।